हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। अभी तक हम हमारे वीडियोस में प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली गांठ के बारे में। कई बार आपने कई लेडीज से बात करते हुए सुना होगा कि उनके बच्चेदानी में गांठ थी और अब उनको प्रेगनेंसी भी हो गई है, अब क्या करें। बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो गई कि गांठ को रखें, बच्चे को रखें, बच्चा का क्या होगा, बच्चा बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, कहीं बच्चे का अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा और ये गांठ कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड है या प्रेगनेंसी विद ट्यूमर है, यूट्राइन ट्यूमर है या गांठ है, तो आप क्या डिसीजन लें, कैसे उसकी देखभाल करें, अपने बच्चे को कैसे बचाएं और गांठ को आगे बढ़ने से कैसे रोकें। हमेशा ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी हमेशा प्लान करनी चाहिए, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो आपको एक नॉर्मल अपनी जांचें करवानी चाहिए, जो कि हमने हमारे वीडियो में पहले वाले में बात की थी कि क्या क्या तो जांचें करवानी होती है, और उन्हीं जांचों में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है सोनोग्राफी। अगर आपने अपने बच्चेदानी की सोनोग्राफी कराई है और आपको ये पता चल जाता है कि बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल है या इसमें कोई गांठ है, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आप इस गांठ के साथ प्रेगनेंसी प्लान करेंगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगी, या आपको इसका पहले कोई मैनेजमेंट करना चाहिए या इसकी गांठ को पहले निकलवा देना चाहिए। अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बच्चेदानी के अंदर गांठ है और अगर आपने उसको निकलवा दिया या छेड़ दिया या छिड़वा दिया तो आपको बच्चे नहीं लगेंगे, बट ये सच में एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को बच्चे नहीं लगते हैं उन लोगों की गांठ निकाली जाती है ताकि उनको बच्चे लग जाएं, और जिनके गांठ के साथ बच्चा लग जाता है तो उस बच्चे का अबॉर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर अबॉर्शन नहीं भी होता तो बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है और कई बार समय से पहले भी डिलीवरी हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको पहले से पता है कि आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर गांठ है तो आप प्रेगनेंसी बिल्कुल प्लान ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, सलाह लीजिए और उसे निकलवा दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीना इंतजार करके आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए ताकि आप स्वस्थ सुंदर सुशील बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है और बाई चांस आप प्रेगनेंट हो गई हैं और आपने जब पहली सोनोग्राफी कराई या दूसरी सोनोग्राफी कराई तब आपको पता चला कि बच्चा भी है और गांठ भी है, तो अब सिचुएशन प्रॉब्लम में है कि अब क्या करें, अब क्या डिसीजन करें, प्रेगनेंसी रखें या ना रखें। इसके लिए हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि अगर आपने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी है और बच्चेदानी में गांठ भी है, तो अब आपको तसल्ली से बैठ के सोचना होगा, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बच्चे पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं, गांठ कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे पे क्या इफेक्ट आएंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी की खून की सप्लाई बढ़ने लगती है और बच्चेदानी का साइज ग्रो करने लगता है, और जैसे ही खून की सप्लाई बढ़ती है तो गांठ को भी बहुत ज्यादा खून का सप्लाई और न्यूट्रिशन या पोषण मिलने लगता है और गांठ का साइज भी बच्चेदानी के साथ साथ बढ़ने लगता है, और ये 9 महीने के आखिर तक पहुंचते अंत तक डबल हो जाती है, साइज दुगना हो जाता है, और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि चौथे पांचवें महीने में पहुंचते 8वें महीने में कभी भी इसका साइज एकदम से बहुत बढ़ जाता है और अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको रेड डीजनरेशन के नाम से जानते हैं, और ये रेड डीजनरेशन बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें लेडी के पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, पेट फूल जाता है, उल्टियां शुरू हो जाती है और दर्द भी होने लगता है, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होने के कारण कई बार हमें लेडीज को बीच में ऑपरेट करना भी पड़ जाता है, उस गांठ को निकालना पड़ जाता है, बट ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन गांठ तो ग्रो जरूर करेगी, अगर आपका 3 सेंटीमीटर का गांठ है तो ये आखिर तक पहुंचते होते 6-7 सेंटीमीटर का, तो आराम से हो जाता है। अब जैसे ही सप्लाई गांठ को जाने लगती है तो बच्चे को सप्लाई कम होने लगती है, और जैसे ही बच्चे को ब्लड का सप्लाई कम मिलता है तो बच्चे का ग्रोथ कम होने लगता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, बच्चा लो बर्थ वेट हो सकता है यानी उसका वजन कम होगा, उसका पूरा ग्रोथ में थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे, और कई बार गांठ पेट के अंदर जगह ले लेती है और बच्चा भी बड़ा हो रहा पेट के अंदर फंसी सिचुएशन हो जाती है, ट्विन्स प्रेगनेंसी जैसी स्थिति हो जाती है, बट ट्विन प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते हैं और गांठ के साथ एक गांठ होती है और एक बच्चा होता है,
जो गांठ अपने को नुकसान देने वाली, बच्चा नहीं ही मिलने वाला और गांठ की वजह से बच्चे को भी नुकसान होने वाला है। इसलिए अब वो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सोच समझकर डॉक्टर के साथ प्लानिंग करके इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना होता है। ये डिसीजन पूर्णतया आपका होता है कि आप इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं या अबॉर्ट कराना चाहते हैं। बट लीगली ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में गांठ है तो आपको बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहिए, क्योंकि गांठ के होने से बच्चे में कोई जन्मजात खराबी नहीं होने वाली है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी के बीच में आपको कई बार कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, वो बहुत ही एक अलग सिचुएशन है, रेयर सिचुएशन है, बट बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बराबर दवाई फॉलो करती हैं और हर महीने सोनोग्राफी करवाते हुए गांठ का ट्रैक रखते हैं कि गांठ कितना ज्यादा बढ़ रही है और बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है, तो हमें टाइमली सिचुएशंस पता चल जाती हैं कि बच्चे की स्थिति कैसी है अंदर और हमें कब उसे डिसीजन लेना है डिलीवरी कराने का। ऐसी स्थिति में डिलीवरी थोड़ी जल्दी प्लान कर ली जाती है। नॉर्मली 40 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है, यानी 9 महीने खत्म होने से पहले पहले 38 वीक पर या 37-36 वीक्स पे भी डिलीवरी कराई जा सकती है, जो कि बहुत सेफ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा अगर बाय चांस कोई सांस में लेने की दिक्कत हो तो उसे नर्सरी में 2-4 दिन रखा जा सकता है और बच्चे को आराम से सेफली बचाया जा सकता है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के साथ में बच्चेदानी में अंदर गांठ भी है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसको कैरी ऑन कर सकती हैं, और बीच बीच में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो उसके लिए दवाई ली जा सकती है। दवाइयां वही दी जाती है जो बच्चे को नुकसान नहीं करती, बच्चे में कोई खराबियां नहीं करती हैं, वो ही दवाइयां हमेशा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस तरह के इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो अबॉर्शन का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, डॉक्टर का नहीं होता है। और डॉक्टर कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं करते कि आप इस गांठ के साथ में अगर बच्चा लगा है तो आप अबॉर्शन करवाइए। हम तो हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कीजिए, साथ में दवाइयां जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो लेते रहिए, हर महीने आप सोनोग्राफी कराते रहिए और बच्चे की मॉनिटरिंग करते रहिए, और न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा लीजिए ताकि बच्चे को भी एटलीस्ट उतना तो मिले जितना उसको चाहिए। और अगर अपनी कोशिशें साकार होती हैं और हम प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव तक बिना किसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के पहुंच जाते हैं, तो अब हमें जो डिलीवरी प्लान करनी है तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम जा सकते हैं कि बच्चा हमने नॉर्मल डिलीवर करा लिया और उसके बाद भी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी हम सेटल होते हैं तब हम गांठ को निकलवाने का ऑपरेशन प्लान करें। दूसरा तरीका है सिजेरियन माइमेक्टमी। सिजेरियन माइमेक्टमी एक तरीका है जब आप सिजेरियन प्लान कर लें बच्चे का, और जब पेट खुलता है यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है यूट्रस से, तभी बच्चेदानी में जो गांठ है उस गांठ को भी साथ के साथ निकाल दिया जाता है। लेकिन कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर इस टाइम पे अगर बच्चेदानी में चीरा लगाया जाए या गांठ को निकालने की कोशिश की जाए तो बहुत ज्यादा खून का नुकसान हो सकता है और पीपीएच हो सकता है या फिर बच्चेदानी निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। बट ऐसा बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा अनकॉमन चीज है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल है वेसोप्रेसिन नाम से, जिसके अगर हम गांठ के साथ लगाते हैं उसके बाद में अगर गांठ को निकालते हैं तो ब्लड लॉस बहुत कम होता है और बहुत सेफली सिजेरियन के दौरान इन गांठों को निकाला जा सकता है, और ये प्रोसीजर सिजेरियन माइमेक्टमी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड है, प्रेगनेंसी है, तो आप अपने डॉक्टर से सिजेरियन माइमेक्टमी के बारे में जरूर डिस्कस कीजिए, जिससे कि आप एक पंथ दो काज कर सके, यानी कि आप एक स्वस्थ बच्चा भी डिलीवर करवा लें सिजेरियन के थ्रू, आपको दर्द भी नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स भी आपको सहने नहीं पड़ेंगे, प्रिडिक्टिव डिलीवरी होगी, टाइम पे आप प्लान कर पाएंगे, और उसके साथ ही आप एक अपनी जो गांठ बनी हुई है बच्चेदानी के अंदर उसको भी निकलवा देंगी, और जो आप रेस्ट करेंगी, दवाइयां लेंगी, वो आपको दोनों में फायदा करेंगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर सिजेरियन माइमेक्टमी प्लान कर सकती हैं, बहुत सेफ ऑपरेशन है, आराम से किया जा सकता है। और अगर अपने दिमाग में ये भय हो कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है तो प्रिकॉशनरी 2 या 3 यूनिट ब्लड का इंतजाम साथ में करके रखा जा सकता है, जो कि जरूरत पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन पाई हैं और समझ पाई हैं, तो आप ये समझ चुकी होंगी कि अगर प्रेगनेंसी के साथ में गांठ है तो बहुत ज्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मंथली सोनोग्राफी से और डॉक्टर की सलाह से और कुछ दवाइयों के साथ में आप ये प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकती हैं, और एंड मोमेंट पे यानी कि 37-38 वीक पर आप प्रेगनेंसी डिलीवरी प्लान कर सकती हो। डिलीवरी का प्लान है वो सिजेरियन रखें, ऑपरेशन डिलीवरी रखें,
क्योंकि इसके साथ में ही फिर हम सिजेरियन माइमेक्टमी के द्वारा आपकी सिजेरियन से बच्चा भी निकालेंगे और माइमेक्टमी से गांठ भी निकाल देंगे, तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आप एक स्वस्थ बच्चे को आगे आराम से उसका पालन पोषण करने के लिए तैयार रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।